जो हलवाई होते हैं वो अपने बेसन के लड्डू और कलाकंद की रेसिपी में इस तरह की ड्राई शुगर पाउडर इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आप हलवाइयों जैसी मिठाई बनाना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज मैं आप लोगों को बहुत ही बेसिक सी चीज़ बनाना सिखाऊंगी जिसे हम कलाकंद और बेसन के लड्डू बनाने में इस्तेमाल करते हैं। वो मैं इंशाल्लाह आपको अपकमिंग वीडियो में बनाना सिखाऊंगी। तो इसे बनाने के लिए हमें चीनी का एक ड्राई शुगर पाउडर बनाना होता है जिसे हम करारा बोलते हैं, और ये बनाना थोड़ा सा मेहनत वाला काम है, बट इससे आपके कलाकंद और बेसन के लड्डू बिल्कुल बेहतरीन बनते हैं। तो ड्राई शुगर पाउडर बनाने के लिए हम सबसे पहले एक कढ़ाई में आधा किलो चीनी ले लेंगे। इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 1 कप पानी और इसका एक शीरा बना लेंगे, और चीनी को हम मेल्ट कर लेंगे लो फ्लेम पे इस तरीके से चम्मच हिलाते हुए। तो देखिए अब यहाँ पे अच्छा गाढ़ा शीरा बन के तैयार है। अब हम इसको हल्की आंच पे तब तक पकाएंगे जब तक कि ये शीरा जो है वो अच्छे से उबल ना जाए। बहुत ही अच्छे से हम धीमी आंच पे तकरीबन 10 मिनट के लिए इसे पकाएंगे। तो देखिए 10 मिनट मैंने शीरे को पकाया है, इसमें बहुत तेज उबाल आ रहा है इस तरह से। और देखिए आप शीरा इतना पकाना है कि अगर आप इस तरीके से अपना चम्मच उठाएं तो इसकी एक तार बने। अच्छे से हम शीरे को हल्की आंच पे पकाएंगे। तो देखिए साइड से इस तरह से जो भी शीरे पे इम्प्योरिटीज ऊपर आए आप इसे हटा लें। ये सब जो है वो खराब होता है, इसे आप हटा लें। चीनी में इस तरह से ऊपर आ जाता है, आप इसको इस तरह से उठाएं। देखिए ये इसे आप हटा लें। तो देखिए जब ये इतना पक जाए कि आपको इसका कलर इस तरह से दिखे तो आप इस तरह से चम्मच हिलाते हुए इसे पकाएं। अभी भी शीरा जो है काफी गर्म है, चूल्हा आप इस वक्त बिल्कुल बंद कर दें और इसे इस तरह से करें। तो देखिए इसी तरीके से बस आप इसको हिलाते रहें, चूल्हा बिल्कुल बंद है। और बस आपको अब ये करना है कि इसका जो इसमें बाकी की जो नमी है उसे एवेपोरेट करना है। तो देखिए इस तरह से आप हिलाते हुए इसे चम्मच से इस तरह से करते हुए इसे एक तरह से आप पीस लें। जो हलवाई होते हैं वो अपने बेसन के लड्डू और कलाकंद की रेसिपी में इस तरह की ड्राई शुगर पाउडर इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आप हलवाइयों जैसी मिठाई बनाना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। तो देखिए इसी तरह से करते हुए चम्मच से ही देखिए इस तरह से चीनी का पाउडर देखिए किस तरह से बन रहा है। देखिए एक पाउडर सा बन गया है और बिल्कुल बारीक चीनी जो होती है वो तैयार है। अब हम इसको ठंडा कर लेंगे और जब ये ठंडा हो जाएगा तो मैं आपको आगे का प्रोसीजर बताऊंगी। तो देखिए करारा जो है वो ठंडा हो चुका है, अब इसे छान लेंगे। तो मैं आपको छानने के बाद दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने करारे को छान लिया है। फर्क ये है कि अगर हम चीनी पीसे तो वो पाउडर बन जाता है, जबकि हमें पाउडर नहीं बिल्कुल बारीक चीनी चाहिए जो कि ये देखिए बिल्कुल तैयार है। और बाकी जो मैंने छाना है तो इस तरह से मोटी चीनी बच गई है, इसको हम ग्राइंडर में पीस लेंगे और इसके बाद इसे पहले इस्तेमाल कर लेंगे उसके बाद इसे इस्तेमाल करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी समझ आ गई होगी। थोड़ी सी डिफिकल्टी समझाना, मेरे अब्बू ने मुझे सिखाई थी ये रेसिपी और उन्होंने ही मेरी मदद की है इस वीडियो को बनाने में भी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रेसिपी है अगर आप बिल्कुल परफेक्ट कलाकंद और बेसन के लड्डू बनाना चाहते हैं तो। तो अगर आपको ये रेसिपी समझ आई और अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियोस देखते रहिए। तो देखिए आप अब कढ़ाया जो है इसको आप एक एयर टाइट जार में स्टोर करके रख सकते हैं और इसके बाद आप कलाकंद में और बेसन के लड्डू में इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त बनती है।